रेकी ग्रैंड मास्टर एक बहुत ही स्पिरिचुअल एंड मेडिटेटिव साइंस है। इसके अंदर आपको 65 टू 70 एडिशनल सिंबल्स दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम इतने सिंबल्स हमें कैसे लर्न होंगे और क्या ज़रूरत है इन सिंबल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सिंबल्स को आपको लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मैनुअल में से आप उसको चेक करके बीच बीच में उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना होता है? अगर आप एक ही सिंबल बार 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 बनाते रहते हैं तो उस एनर्जी के साथ आप ट्यून अप हो जाते हैं। लाइक डॉक्टर्स भी मेडिसन्स को सॉल्ट्स को बार बार बदलते रहते हैं। अगर आप एक ही सॉल्ट लेते रहेंगे तो वो जो मेडिसन है आपके ऊपर इनएक्टिव हो जाएगी। सेम विद सिंबल्स। तो इसीलिए स्टूडेंट्स कुछ बेसिक लेवल करके 1, 2, 3 ये सीख के कहते हैं कि मैम हीलिंग अब काम नहीं कर रही। तो हीलिंग में अब आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, चेंज लाने की ज़रूरत है। इसीलिए इन सिंबल्स के साथ कभी कोई सा सिंबल कभी कोई सिंबल आपको कोर्स में सिखाया जाएगा किस तरीके से आपको चेंज करना चाहिए। साथ में इसमें डॉक्टर मिकाओ सुई की ओरिजिनल टेक्निक सिखाई जाएंगी जो वो अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे। डॉक्टर मिकाओ सुई जिन्होंने रेकी रीडिस्कवर करा था, जो वो टेक्निक्स अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे, वो टेक्निक्स और मेडिटेशन टेक्निक्स आपको करवाई जाएंगी जिससे आपका एनर्जी लेवल स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के साथ आप क्षण भर में ही जैसा सोचेंगे वैसा चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जो सोचेंगे वो चीज़ को आप पा पाएंगे उन मेडिटेशन टेक्निक्स के थ्रू। बहुत सारी डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स भी हैं, लाइक ब्रेन बैलेंसिंग, ग्राउंडिंग और भी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं इसमें आपको सिखाई जाएंगी। साथ में इसमें आपको अट्यूनमेंट प्रोसेस सिखाया जाएगा रेकी मास्टर और ग्रैंड मास्टर, यानी कि आप फर्दर रेकी मास्टर्स बना सकते हैं और ग्रैंड मास्टर्स अट्यूनमेंट दे सकते हैं। आप अपने भी फर्दर रेकी मास्टर और ग्रैंड मास्टर से अट्यूनमेंट ले सकते हैं। साथ में इसमें आपको लेज़र रेकी सिखाया जाएगा। लेज़र जैसे कि लेज़र लाइक बीम्स निकलती हैं और थ्रू रेकी वो हील हो जाते हैं। कुछ ऐसे एरियाज जो कि आपको नज़र नहीं आते, लाइक पाइल्स की प्रॉब्लम, ईयर्स में कोई प्रॉब्लम है, नोज़ में प्रॉब्लम है, या फिर कोई स्टोन की प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो कि बहुत टाइम से चली आ रही है और हील नहीं हो रही, तो लेज़र लाइक बीम्स निकलती हैं आपके हाथों से और वो चीज़ें हील होती हैं। ओरिजिनली सिंबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनका क्या पर्पस है, मैडम टकाटा ने उनको किस तरीके से दिया है, उनका क्या यूसेज बताया है, राकू का क्या यूसेज है, अंतकर्ण का क्या यूसेज है, किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करे जाते हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी आपको सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकल्स सिखाए जाते हैं, और जिससे आप ये नॉलेज अपने तक ही ना रख के दूसरों में भी बांटें। बुद्धा जी बोलते हैं जब हम किसी के रास्ते में एक दिया जलाते हैं तो हमारा रास्ता खुद ब खुद रोशन हो जाता है। तो आपको अपने लिए टेंशन की बात नहीं है, अगर आप दूसरे की हेल्प करेंगे तो यूनिवर्स आपको देख रहा है और आपका रास्ता और आपकी लाइफ भी ब्राइटन अप हो जाएगी। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन करें, कनेक्ट हो और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।